सफर नहीं ये है इंतहा, लिखी जा रही है ये दास्तां। आया हूँ तेरा बन के सवाली, जाऊँ ना तेरे दर से मखाली, हम सब के वाली। अरे शकीला, तुम ना बिना वजह परेशान हो रही हो, फिक्रमंद हो रही हो। अरे रिश्ता बहुत अच्छा है और लड़का ना ठीक ठाक कमाता है, कसम अल्लाह की बड़ा शानदार लड़का है। अरे मेरे सामने का बच्चा है, तुम बेफिक्र हो जाओ बस। हाँ कसम अल्लाह की मैं रिश्ते ना देखभाल के लगाती हूँ, आखिर को दो जिंदगियों का मामला होता है। खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे मेरे मुंह में खाक, अगर कुछ हो जाए ना तो घरों के घर बर्बाद हो जाते हैं। हाँ मैं झूठ नहीं बोल रही ना। अच्छा अगर मैं झूठ बोल रही हूँ ना तो मेरे बच्चों के आ गया है, बस अब खुश। गजब खुदा का दिमाग की दही बना देते, मजा ले जो सीधी बात समझ जाए। कम से कम 5-6 कस्में खिलाएंगे फिर यकीन आएगा इनको। या खुदाया, इसी चक्कर में मेरी गोभी भी छोटी छोटी कट गई, कीमा बन गई। चलो देख लूंगी कुछ। अरे सबर कर जाओ, सबर सबर नाम की कोई चीज ही नहीं है। घंटी में हाथ रख के बच्चे भग जाते, खुदा करके कहां लग जाए ताकि तुम्हारा पर जाए। अरे इरम तुम अम्मी, क्या दरवाजा खोलते ही आपने कमबख्त बोल दिया है, पूछ तो लिया करें कौन है दरवाजे पर। बेटा वो मैं तुम्हें थोड़ी कह रही थी, तुम तो मेरी खुशनसीब बच्ची हो, ससुराल में ऐश कर रही हो। अम्मी दौलत देख के आपने मेरी शादी कर दी है, आपको क्या पता मैं किस अजाब में जिंदगी गुजार रही हूँ। क्या कह रही है बेटा, शुभ शुभ बातें कर। क्या शुभ शुभ बात करूँ अम्मी, आपके दिल में जो आ रहा है आप वो करती जाए। अरे इरम मेरी बात तो सुन। इरम इरम बेटा। अरे नजमा तुम बेफिक्र हो जाओ, लड़का ना लंदन में रहता है, कसम अल्लाह की बहुत अच्छी नौकरी करता है। शहरयार मुझे बता रहा था बड़ा ही शरीफ नफ्स लड़का है। हाँ हाँ शहरयार के घर के सामने तो रहता है। अम्मी अब देखो ना बहन, लंदन में रहते हुए किसी गलत फील में नहीं है, और क्या चाहिए, बस लड़की को ब्याह, लंदन भेजो, वहां से फलंगी के कपड़े परफ्यूम मंगवाओ, ऐश करो बस। ठीक है तो फिर बात करूं मैं, हैं? चलो सही है, अपना ख्याल रखना, ओके अल्लाह हाफिज। अम्मी ये क्या कर रही हैं आप, क्यों झूठी कसमें खा रही हैं? तुम तो चुप ही करो बीबी, बड़ी आई मुझे नसीहत करने वाली। अम्मी मेरी और भाई की जिंदगी दांव पर लगाकर आप दूसरों के क्यों रिश्ते करवा रही हैं? तुम टेंशन क्यों ले रही हो? और मैं जो भी बोलती हूँ ना दिल से नहीं कहती कि मेरे बच्चों के आगे आए। अम्मी कभी आपने सोचा है अगर आगे आ गया तो, जो आप झूठी अल्लाह और रसूल की कसमें खाती हैं, कभी आपने सोचा है भाई हमसे 7 समंदर पार रहता है, कितने दिनों से भाई की खैर खैरियत हमने नहीं पूछी है। अम्मी कहीं आपकी ये झूठी कसमें हमें ना ले डूबे। अरे कुछ नहीं होता, मेरा चांद आ रहा है, उसने ना ढेर सारी शॉपिंग की हुई है, मुझे फोन पे बता रहा था, पर अब देखना मैं उसके सर पे सेहरा सजाऊंगी, लोगों के रिश्ते लगवाती हूँ, देखना मैं अपने लाल का कैसा रिश्ता करवाऊंगी, पूरी दुनिया देखेगी। शगुफ्ता शगुफ्ता कहाँ हो तुम? तू औरत है या डाइन? मेरा बसा बसाया घर तबाह कर दिया तूने। क्या हो गया, क्यों इतना चिल्ला रही है?
तुमने मेरी बेटी की शादी एक आवारा लड़के से करवा दी। उसने 3 महीने में ही उसे तलाक दे दी और सारा कीमती सामान और जेवर पे कब्जा करके उसे घर से निकाल दिया। क्या कह रही है, ऐसे कैसे हो सकता है? वो तो इतना अच्छा लड़का था, मेरे सामने का बच्चा, कसम अल्लाह। शर्म नहीं आती तुझे? अभी फिर झूठी कसम खा रही है? अरे मेरी बेटी बर्बाद होकर घर आई तो मेरे शौहर को हार्ट अटैक हो गया, अभी भी अस्पताल में। इसमें मेरा क्या कसूर है? मैंने तुम लोगों का क्या ठेका लिया हुआ है? मैंने रिश्ता लगवा दिया, काम मेरा खत्म। काम खत्म? कैसे खत्म? तू कितनी संगील औरत है शगुफ्ता। रिश्ता करवाते वक्त तूने कितनी कसमें खाई थी? तुमने कहा था कसम अल्लाह की मेरी जिम्मेदारी है, और अब तू कह रही है कि मेरी जिम्मेदारी नहीं है। अरे तूने तो ये भी कहा था कि अगर कुछ गलत हो गया तो मेरी औलाद के आगे आएगा, और अब तू ऐसी बन रही है जैसे तेरा कुछ कसूर ही नहीं है। इतना चिल्ला क्यों रही है? मैं अभी तुझे अपने घर से निकालती हूँ, चल निकल यहाँ से, निकल यहाँ से, बकवास करके दफा हो जाए यहाँ से, चल। छोड़ मुझे, मैं तो थूकना भी पसंद नहीं करूंगी तेरी शक्ल और तेरे घर पर। लेकिन मेरी एक बात याद रखना, या अल्लाह तू तमाम जहानों का मुंसिफ और बड़ा इंसाफ करने वाला है। मौला जैसे मेरी बेटी बर्बाद हुई, जैसे मेरा घर बर्बाद हुआ, मौला इस संगील औरत को भी बर्बाद कर दे मौला। इसका किया इसके आगे जरूर ला लो मौला। इसने मेरी बेटी को बर्बाद किया, तू इसकी बेटी को भी बर्बाद कर दे मौला। क्या बके जा रही है तू? है ये दो शाम के वक्त में क्या वाही तबाही बके जा रही है? तबाही? तबाही तो तू देखेगी, बल्कि सारा जहां देखेगा कि मेरा अल्लाह क्या इंसाफ करता है। या अल्लाह। जैसे मेरी बेटी बर्बाद हुई, जैसे मेरा घर बर्बाद हुआ, मौला इस संगील औरत को भी बर्बाद कर दे मौला। तबाही तो तू देखेगी, बल्कि सारा जहां देखेगा कि मेरा अल्लाह क्या इंसाफ करता है। इसका किया इसके आगे जरूर ला लो मौला। इसने मेरी बेटी को बर्बाद किया, तू इसकी बेटी को भी बर्बाद कर दे मौला। घंटी बजाए जा रहे हैं, अल्लाह हटता ही नहीं हाथ घंटी पर से। उफ मेरे खुदा, बोले क्या मौत आ गई आपको जो घंटी में से हाथ ही नहीं हट रहा? और ये एम्बुलेंस हमारे घर के आगे क्यों खड़ी हुई है? शहरियार साहब का घर यही है। शहरियार का? हाँ यही है। मैं अंदर आ सकता हूँ? आपसे जरूरी बात करनी है। इससे जरूरी बात? जी जी बोले। देखिए आप थोड़ा सब्र से काम लीजिएगा, हम शरिया साहब की डेड बॉडी लेकर आए। क्या? नहीं, ये नहीं हो सकता। संभाल संभाले खुद को आप, प्लीज संभाले अपने आप, लेकर आओ अंदर। मेरे बच्चे नहीं हो सकता, ये जरिया नहीं हो सकता, कसम से जरिया नहीं हो सकता। एक हफ्ता पहले एक दहशतगर्द ने मस्जिद में घुसकर फायरिंग कर दी थी, बहुत सारे नमाजी शहीद हो गए थे, उसमें शहरियार भी शामिल थे। एक हफ्ते से एम्बेसी से बातचीत चल रही थी, अभी उनका जनाजा आया तो हम लेकर सीधे यहाँ आ गए। ये मेरा शहरियार नहीं, ये मेरा शहरियार नहीं, हटो, ये मेरा शहरियार नहीं, ये मेरा शहरियार, मेरा शहरियार नहीं हो सकता, मेरा शहरियार नहीं हो सकता, अल्लाह की कसम मेरा शहरियार नहीं। अम्मी ये सब क्या है? ये शहरियार की डेड बॉडी है, ये उनकी फाइल। मेरा शहरियार नहीं है। अम्मी भाई भी आ गए और मैं भी आ गई लुट पिट कर तलाक लेकर।
अम्मी हम आ गए आपकी झूठी कस्मों की जद में। देखे शेरियार भाई भी आ गए और मैं भी आ गई हूँ। अम्मी आप भी कहती थी ना कि मेरी औलाद की आगे आएगा सब कुछ। अम्मी हमें किसी की बददुआ लग गई, किसी की उछड़ी हुई गोद की आ लग गई हमें अम्मी शेरियार। अरे अरे मेरे शेरियार ने तो मुझे बोला था मैं ईद में आऊंगा। कैसे आना था तुझे, इतनी सारी उसने काफी की थी। दवाई आ गई हमारे घर में। तू खुश हो जा शकीला, तू खुश हो जा। अरे मेरे कैसे काम न जाए थे, अपने बेटे के सर पर सेहरा बांधूंगी। मेरा बच्चा सेहरा तो नहीं बांध सका, कफन बांध कर आ गया। तेरी बदला लग गई शकीला, तेरी बदला लग गई। अरे मेरा बच्चा, मेरा बच्चा। अल्लाह अल्लाह मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे मेरे मालिक। मुझे जो गलत की मुझे माफ कर दे अल्लाह। मेरे बच्चों को सुलझाना थे, मेरे बापू की आ जाना। थोड़े रही मैं, थोड़ा करी मैं, मुझे माफ कर दे मेरे मालिक। मेरे गुनाह को माफ कर दे, मुझे तो माफ कर दे मेरे मालिक। मेरा बच्चा चला गया, सफर नहीं ये है इम्तिहान। लिखी जा रही है ये दास्तां, ये सफर नहीं ये है इम्तिहान। लिखी जा रही है ये दास्तां। आ झुकाऊं अब उस दर पे जिस दर का ना है कोई बयां। अब क्या करूं के तू बख्शे गुना। हाँ भटक गया था अब दे दे पना। Fly across the world with Sahulat, where all your spending gives gold savings. Book tickets, visa or accommodation through Sahulat Travels and get Save Gold 80% on spending. Don't wait. Book now and start saving gold rewards. ARY sahulatbazaar.pk 021-111-00162 powered by ARY Sahulat Wallet.